हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजाता माकरे। कोरल ड्रॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्यूशन बैनर बनाना। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं। पेज को पोर्ट्रेट में लेते हैं। जितने साइज का बैनर बनाना है उतने साइज का टूल बॉक्स से रेक्टेंगुलर टूल को लेकर एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉक्स का साइज मेंटेन करते हैं, साइज इंचेस में लेते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से पी की को प्रेस जैसे ही करते हैं, बॉक्स पेज के सेंटर में आ जाएगा। डिजाइन बनाने के लिए एक बॉक्स और क्रिएट करते हैं। शेप टूल लेकर बॉक्स को सेट करते हैं। पिक टूल लेने के बाद बॉक्स को रोटेट करते हैं। रोटेट जैसे ही होता है उसमें कलर फिल करेंगे, आउटलाइन को नन करेंगे। मेन्यू में जाकर पावर के लिफ्ट में जाकर प्लेस इनसाइट करते हैं। प्लेस इनसाइट के अंदर जाने के लिए कंट्रोल की प्रेस करते हैं और बॉक्स को सेट करते हैं। F2 की से प्रेस करते हैं और ऊपर वाले हिस्से को जूम करते हैं। फिर एक फ्री हैंड टूल से लाइन क्रिएट करके एक और डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। फिर इसको शेप टूल से एडजस्ट करते हैं। इफ़ेक्ट मेन्यू में जाकर पावर क्लिप करके इनसाइड करते हैं। इनसाइड करने के बाद इसको सेट करते हैं। नीचे साइड एलिप्स टूल से एक और बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स को सेट करते हैं। बॉक्स में कलर फिल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस आई करके इमेज को इंसर्ट करते हैं। जैसे ही इंसर्ट होती है उसके बाद इमेज को सेट करते हैं। टूल बॉक्स से फ्री हैंड टूल को लेकर एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ नीचे लाकर राइट क्लिक करते हैं और एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, एडजस्ट हो गया। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। अब मैटर को टाइप करेंगे। मैटर को टाइप करने के लिए साइज को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद मैटर जब टाइप हो जाएगा, कंट्रोल के साथ के की को प्रेस करते हैं, मैटर ब्रेक हो जाएगा। इसमें मेन नेम का साइज इंक्रीज करते हैं और बॉक्स में सेट करते हैं। देखिए, ये सेट हो गया है। इसके बाद राइटिंग चेंज करते हैं, कलर चेंज करेंगे, पूरे मैटर को धीरे धीरे करके सेट करेंगे। तो पहले मेन लेटर को एडजस्ट कर लेते हैं, उसका कलर चेंज कर लेते हैं, फिर सारे मैटर को धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे एडजस्ट होगा। साइज को मेंटेन करके राइटिंग चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं और इस मैटर को पॉइंट वाइज बनाने के लिए इनके आगे एक एक सिंबल क्रिएट करते हैं। सिंबल एक क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसकी कॉपी बनाते हैं। सिंबल क्रिएट करने के बाद उसमें कलर फिल करते हैं, आउटलाइन सेट करते हैं। आउटलाइन सेट करने के लिए कंट्रोल F12 करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आउटलाइन को सेट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ नीचे लाकर राइट की को प्रेस करते हैं तो ये सारे कॉपी होते चले जाएंगे। फिर एक ओवल बनाते हैं। ओवल बनाने के बाद उस ओवल में कलर फिल करते हैं, आउटलाइन को नन करते हैं, ओवल के अंदर मैटर को सेट करते हैं, उसमें कलर फिल करते हैं। लाइन को नन करने के लिए कलर पैलेट के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है, उस पर राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन नन हो जाती है। अब जो मैटर बचा हुआ है उसको सेट करते हैं। मैटर को बोल्ड करने के लिए ऊपर बी पर क्लिक करते हैं, मैटर बोल्ड हो जाता है। ये देखिए, हमारा मैटर लगभग रेडी हो गया है। अब इसको सेंटर करते हैं। देखिए, ये सेंटर हो गया है। इसको साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। अब टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और ये जो वाइट कलर के दो बॉक्स बने हुए इस पर राइट करते हैं। तो टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद इसको ओवर राइट किया। फिर यहाँ पर मैटर लिखने के बाद इस बॉक्स में इस मैटर को सेट करते हैं, मैटर को कलर करते हैं,
अलाइनमेंट करते हैं, देखिए कलर हो गया है। मैटर को सेंटर करते हैं इस बॉक्स के साथ। मैटर को क्लिक करने के बाद ऊपर वाले मैटर को क्लिक करते हैं, दोनों को कीबोर्ड से सी की को प्रेस करते हैं तो सेंटर हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ इसी मैटर को पकड़कर नीचे लाते हैं और राइट क्लिक प्रेस करते हैं तो ये नीचे वाले बॉक्स में भी कॉपी हो जाएगा। जो मैटर बचा हुआ है उसको यहाँ राइट करते हैं, ये मैटर राइट हो गया है। टाइमिंग चेंज करते हैं इसकी, ओवरराइट करते हैं यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ओवरराइट हो गया है। अब इसमें इस टेक्स्ट को क्लिक करने सेलेक्ट करने के बाद इस वाले बॉक्स को सेट करते हैं। दोनों को क्लिक करने के बाद बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेंटर करते हैं, कीबोर्ड से सी की को प्रेस करते हैं तो ये सेंटर हो जाता है। नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं, एक बार फिर नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर वाले बॉक्स से अलाइन करते हैं। सबसे नीचे जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें मैटर को टाइप करते हैं, देखिए वहाँ से मैटर को कॉपी किया, यहाँ पर इसको ओवरराइट करते हैं। ओवरराइट करने के बाद देखिए ये रो ओवरराइट हो रहा है। ओवरराइट करने के बाद इस मैटर को एडजस्ट करते हैं बॉक्स के हिसाब से, साइज को चेक करते हैं, उसके बाद इसका कलर सेट करते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, मैटर का कलर चेंज करते हैं। ये हमारा लगभग रेडी हो गया। अब इसमें लोगो लगाते हैं, कंट्रोल आई करके यहाँ पर लोगो इंसर्ट करते हैं। ये देखिए लोगो इंसर्ट हो गया है, हमारा मैटर एकदम कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए। अब इसको सेव करते हैं तो इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर साइज सेट करते हैं, रेजोल्यूशन सेट करते हैं, उसके बाद ओके।